हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किचन पार्टनर स्टेयर में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नया पंजाबी थाली, जिसमें हम सिर्फ यहाँ पर रोटी बनाना सिखाएंगे कि हम रोटी किस तरीके से पंजाबी थाली में बनाकर मॉर्निंग रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कॉटन के जैसे, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कितना टेस्टी है और आप सफ़र में भी इस रोटी को खा सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, बॉल में मैं एक कप आटा ले रही हूँ। आपको क्वांटिटी जितनी चाहिए आप ज़्यादा ले सकते हैं आटे को, गेहूँ का आटा है यहाँ पर। उसमें मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक के साथ साथ ही हम डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हमारे खाने को पचाने में बहुत मदद करती है, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक नहीं बनाती है यहाँ पर, इसीलिए मैं अजवाइन और काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ पीसी हुई। दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारे पेट के लिए। और यहाँ पर लाल मिर्च थोड़ी सी यूज़ की है हमने, साथ ही साथ पुदीना। पुदीना एक गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठंडक रखता है हमारे पेट के लिए, तो हम पुदीने का भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च कटी हुई भी डाल दी है। अगर आपके पास हरा धनिया है आप उस वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सूखा हुआ पीस कर धनिया डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आटे के अंदर, तो यहाँ पर हम एक चम्मच डाल देते हैं देसी घी, जो प्योर घी होता है, हम परांठे के लिए यूज़ करते हैं, रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वही हम घी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, घी को भी चम्मच के साथ, आप चाहें तो हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम आटा इसको गूंध लेंगे दूध के साथ, यहाँ पर मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, दूध का यूज़ करूँगी। दूध इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी रोटी बनेगी, परांठा बनेगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा कॉटन के जैसे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, खाएंगे सुबह से बना हुआ परांठा अगर खाएंगे, रात तक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, बिना चाय, बिना दही या किसी चीज़ के भी, सब्जी के बिना भी खा सकते हैं। आटा हमने गूंथ लिया है, फिर हम थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं मैं आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा अलग लोई निकाल लेते हैं और उस लोई की रोटी बनाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम दो तरह से रोटी बनाना सिखाएंगे आपको, एक सूखे आटे से, एक बिना आटे के। सूखे आटे के यहाँ पर मैं एक बार सूखा आटा लगा कर आपको रोटी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर हम रोटी बेल लेते हैं, हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप चाहे पतली रोटी बना सकते हैं, आप चाहे मोटी रोटी बना सकते हैं, वो आपकी विषय जैसे आपको ठीक लगता है। यहाँ पर रोटी हमने बेल ली है, तवा गरम हो चुका है हमारा, तवे पे हम घी लगा लेते हैं जो हम परांठे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और यहीं पे रोटी डाल देते हैं तवे पर। रोटी का देखिए एक साइड पे पक चुकी है, कलर चेंज हो गया, इट मीन साइड पक चुका है। इसको अभी साइड चेंज करते हैं। यहाँ पर हम देसी घी लगा देते हैं, प्योर घी लगाते हैं, हल्के हाथों से हम लगा देते हैं, साइड चेंज कर लेंगे रोटी का घी लगा कर। फिर यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि परांठे के लिए घी ज़्यादा लगता है, बट मैं यहाँ पर बहुत कम लगा रही हूँ,
ज़्यादा घी नहीं लगाना है आपको। कम घी भी लगाएंगे तो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार यहाँ पर रोटी तैयार हो गई है, हम साइड पर निकाल लेते हैं रोटी को एक प्लेट में, थोड़ा सा घी लगाकर। देखिए कितनी अच्छी रोटी हमारी बन चुकी है। और अब हम बता रहे हैं बिना सूखे आटे की रोटी कैसे बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने सूखा आटा नहीं लगाया है, यहाँ पर हम घी का यूज़ करेंगे। जो हम रोटी बनाने के लिए घी यूज़ करते हैं उसको लगा देंगे और देखिए रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। कितनी अच्छी तरह से बन रही है हमारी रोटी। बन चुकी है यहाँ पर रोटी हमारी, तो इसको भी हम तवे पर पका लेंगे अच्छे से। देखियो है ना, बिना सूखे आटे के हम रोटी बना सकते हैं ऑयल लगाकर या घी लगाकर। ये भी हम तवे पर पका लेते हैं अच्छे से। इसको सेम वही प्रोसेस करना है जैसे हमने पहली रोटी पकाई है अच्छे से। और वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि रोटियां कई तरह की बनती हैं, बट अगर ये खाएंगे रोटी तो इसमें हर चीज़ का अलग फ्लेवर आएगा। आप एक बार बनाकर मॉर्निंग में कल खाइएगा। इसीलिए मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ कि आप मॉर्निंग में इसको ज़रूर बनाएं। जो भी बनाएंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कौन कौन बनाने वाला है ये रोटी परांठी, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कौन करने वाला है सेम। देखिए कितनी अच्छे से ये बन चुकी है, बहुत इजी है बनाना। और लाइक तो साथ के साथ बनता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, हम निकाल लेते हैं इसको भी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं शाही पनीर के साथ बनाकर खा रही हूँ, पनीर के साथ। या पिकल ले सकते हो, अचार ले सकते हो, अनियन ले सकते हो, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। आप चाहे तो कर्ड के साथ भी खा सकते हो, सिर्फ चाय के साथ, दूध के साथ भी रोटी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी थाली पसंद आई है कि हम इस तरीके से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग क्या आप इवनिंग में भी खा सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।